आज तहसीलदार ऑफिस भटकल में हम लोग एक मेमोरेंडम पेश किए हैं जो मैंगलोर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो बॉम्ब मिला था वो उसको अरेस्ट किए हैं और वो एक हिंदू समाज से रहने के वजह से मीडिया वाले उनको बचाने की पूरी कोशिश भी हैं, वो हम लोग बहुत कंडम करते हैं। और इसके अलावा हमारे जो कर्नाटक के होम मिनिस्टर भी हैं वो भी उनको बचाने के पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं और पागल हैं बोलने की बात वो साफ साफ अल्फाजों में, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुआ वो अपने अंदाज से बता रहे हैं। या तो होम मिनिस्टर का कोई ख़ास होगा वो इसके लिए इतने जल्दी वो स्टेटमेंट दे दिए। इन्वेस्टिगेशन के बिना पर एक पोलिटराइज करने के काम एक गवर्नमेंट कर्नाटका का बीजेपी गवर्नमेंट और उसका बहुत बड़ा एक होम डिपार्टमेंट का मंत्री ये एक स्टेटमेंट देना एक बहुत बड़ी शक में नज़र में आ रहा है। तो इसके लिए SDPI का ये डिमांड है कि होम मिनिस्टर को इमीडिएटली रिज़ाइन देना है, इमीडिएट रिज़ाइन का हम लोग डिमांड करते हैं और इसका इन्वेस्टिगेशन फर्दर जो भी है इसके पीछे, हम लोग को लग रहा है इसके RSS का बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे, बहुत बड़ी लॉबी थी। वो अगर वो बॉम्ब फट जाता तो बहुत से लोगों का नुकसान होता था, ये बहुत बड़ा है। इसलिए कोई धर्म का या इसके कोई हम लोग उसको ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि हिंदू मुसलमान ये टेररिज्म एक अलग ही धर्म है, इससे हम लोग इसमें भी अटैच नहीं करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारा डिमांड ये है कि इमीडिएट जो भी इनके पीछे हैं जो भी हो उनको अरेस्ट किया जाए, उनके ऊपर देशद्रोह का एक्ट लगाया जाए और उनको खड़ी सज़ा सुनाई जाए। और अभी बेंगलुर के जो कमिश्नर हैं उनको शॉक नहीं हो रहा, आज वो एक झूठी कहानी बना के SDPI के ऊपर बांधने की कोशिश जो की थी 6 लोगों को अरेस्ट करके जो कॉन्स्परेसी कर रहे हैं मर्डर की, आज इतना बड़ा बॉम्ब मिलने के बावजूद एक उनको शॉक नहीं हो रहा है क्या बोलने का एक सवाल हमारे अंदर आ रहा है। क्योंकि ये एक बॉम्ब मिलने के जो कल्चर है ये सभी RSS के लोगों से ही मिल रहा है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बॉम्ब ब्लास्ट के केस में टेररिस्ट अनाउंस होके भी आज वो MP है और ऐसे पूरे कल्चर्स मक्का मस्जिद ब्लास्ट लो, मालेगांव ब्लास्ट लो, इनको फिर भी सेव करने का काम ये मीडिया और हम लोग को सबसे अफसोस मीडिया से है क्योंकि एक दिन पहले मीडिया का स्टेटमेंट अलग था, एक दिन के बाद मीडिया का स्टेटमेंट एकदम से वो पागल है वो कुछ नहीं है केस में ऐसे बातें वो कर रहे हैं। गिरफ्तार तो किया गया है लेकिन गिरफ्तार करने के बाद एकदम से सॉफ्ट होकर, क्योंकि गिरफ्तार एक हिंदू हुआ है उसके पीछे शायद RSS के लॉग रहने की वजह से होम मिनिस्टर भी ये स्टेटमेंट दे रहा है, हम लोग वही बोल रहे हैं कि इसके पीछे कौन है, एक आदमी का तो काम नहीं रहेगा, एक पागल जो कुडला के रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कैशियर के जॉब में है, मैं मीडिया से ही स्टडी किया, कैशियर के जॉब में है तो उनका स्टेटमेंट तो साफ है वो पागल नहीं है। तो ये पागल नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है, हम लोग को श्योर है कि BJP के लीडर का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। मैंगलोर के जो गोलीबार के इंसिडेंट को टर्न करने के लिए ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हम लोग इसको कंडम करते हैं। हम लोग अगर इसके ऊपर सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ तो हम लोग बहुत बड़ा एहतजाज इसके ज़रिए करेंगे।